मैंने बोला था ना तो मैं मार के रहूंगा। पहचाना, हम गांव के नए सरपंच। लोगों को लगता है कि तुम मर गए, लेकिन पिछले कई सालों से तुम्हारी कैद में थे। बहुत शौक था ना तुम्हें गवाही देने का, अब तुम्हारी गवाही हम लेंगे। बेटा तू मरेगा यहीं पर, सड़ जाएगा यहाँ पर, तेरे को कुछ बचाने नहीं आएगा। साहब आप बोल तो यहीं मार देता हूँ मैं। नहीं 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 पप्पू, इतनी आसानी से नहीं मारेंगे इसको। अभी तो जैसे जाहिल गवार हो, गाँव वालों को भी देखना है। सालों में ज्यादा चर्बी चढ़ गई है ना आजकल, तो देख के आएगा उसको। चलो कब तक इसका क्या करा जाए? इसका भी तो कुछ करना ही पड़ेगा, होश में तो आ गया ही। चलो साहब चलते हैं, अब इसका लगता है मेरे को 2-3 दिन तक उठेगा नहीं। चलो साहब। काका 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 कहाँ पर हो तुम? काका 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 तुम कहाँ पर हो काका? ये तो काका की आवाज है, ये तो काका की आवाज है। काका तुम काका 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 कौन सा काका? मैं किसी का काका का नहीं हूँ। तुम ही मेरे काका हो। जिस दिन गांव वालों ने मेरे को गांव से निकाला, उस दिन से मैं अघोरी का जीवन जी रहा हूँ। मैं किसी का काका का नहीं हूँ। अगर तेरे हृदय में सुनने की क्षमता है तो ले सुन। जिस दिन मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस दिन कहा था तेरा काका? जिस दिन गांव वाले ने मेरे दोस्त को इतना चार दिया, उसको मार डाला, गांव से उसे निकाल दिया गया, लेकिन अभी तक मैं जी रहा हूँ। मैं तुम्हारे मेरे दोस्त को मारा था, उस दिन कोई नहीं गांव वाला आया था, और जिस दिन मेरे को गांव से निकाला था, उस दिन तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे बताओ? तुम विदेश में रह के तुम्हारे पापा गया तो मेरे को भी मार के भगा दिया उन्होंने। अब बताओ तुम्हारा काका क्या करे था? इसीलिए मैं अघोरी की जिंदगी जी रहा हूं। काका तुम तो फट्टू निकले। खामोश, अगर तुम्हारी परवरिश मेरे हाथों नहीं होती तो मैं तुमको अभी यहीं पे भस्म कर देता, राख बना देता तुम्हें मैं। काका अब आप ही बताओ, अब हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना? पैर पे तो पैर रख के बैठ सकते हैं ना काका? आई एम सीरियस काका। वेट बेटा वेट, ले बेटा, अंतर मंत्र यह घोरी का शस्त्र है, इसमें देवो का देव महादेव की शक्तियां विराजित है। ये कोई मामूली शस्त्र नहीं है। ये ले बेटा मेरा शस्त्र। थैंक यू काका। बेटा टोटके पे माथा टेको। थैंक यू काका। फक यू बेटा, फक यू। काका अब मैं चलता हूँ। ओम भव।
गंगाराम तू मुझे भूल गया, मैं जमींदार तेरा साथी हूँ। चल मेरे दोस्त, तू चल मेरे साथ। ये ले, तू पहले पानी पी। बात बता, तेरे पे इतनी शक्ति है, तू रामबली को तो आराम से मार देगा? नहीं, मेरे पास भले ही इतनी शक्ति हो लेकिन मैं रामबली को नहीं मार सकता, क्योंकि वो भैरव बाबा की पूजा करता है। अभी तू इसके बारे में सोचना बंद कर, अभी तू मेरे साथ चल, विश्राम कर, इसके बारे में हम कल सोचेंगे। राम प्रसाद, वो राम प्रसाद कहाँ गया तू? अरे आप तो तुम्हें राम प्रसाद के साथ आया, यहाँ कैसे आ गया? चिट्ठी क्या कर दी? राम प्रसाद मैं गंगाराम, मैं तुम्हारे साथ गांव इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि पिछले वर्ष से जब मेरे को गांव से निकाला गया, मेरा जंगली सब कुछ है, और मैं तुमको इसलिए गांव में भेजा क्योंकि आज ही पूर्णिमा मासी के दिन सरपंच, पुराने वाले सरपंच को मारा गया था, और आज ही के दिन हम राम बलि को मार सकते। तुम और सरपंच के बेटे और पूरे गाँव वाले मिल के राम बलि की मौत कर।
यार पप्पू आज कोई आया नहीं पंचायत में। हाँ यार दिख तो नहीं रहा कोई वैसे भी मेरे को। है ना? हाँ क्या बात है। सरपंच जी आपने जिस सरपंच को मारा था ना उसका लड़का गांव में घूम रहा है इसलिए आज कोई आया नहीं पंचायत में। अच्छा तो ये बात है सरपंच जी। तभी तो कहें चलो फिर देख के आते जरा। आज तो अपने बाप का बदला लेके आऊंगा राम बली से। वो देखो राम बली आ रहा। आ रहे थे आज राम बली को राम बल्ला बना के रहूंगा। दो मिनट रुक छोड़ इसे। हेलो। हाँ भाई बंदे लोग घुस गए हैं सामान लेके पहुँच। हाँ भाई बंदे लोग घुस गए हैं सामान लेके पहुँच। हैं? 10 मिनट रुक जा गांव के बंदे लेके आ रहे। रुक जा बुला जिस मर्जी को जिसको बुला लेना ना। रुक 2 मिनट रुक तू। मैं मार के रहूंगा तूने ये तुझे याद है ना मेरे बाप को तूने इसी दिन पूर्णवासी को दिन मारा था ठीक है आज तो तू करेगा खत्म है तू आज से।